हाँ, तो लिटिल अंडमान इज अगेन वन ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया. अरे मेरे को बोल रहे थे. अच्छा ठीक है. यस अंडमान. दैट इज आवर फर्स्ट लव. सो नो सेकंड लव. फर्स्ट लव इज ईच अदर. और हमें बहुत पानी भरा हुआ था तो हम खड़े होकर बस सोच ही रहे कि इसको कैसे करें. उतरे में आया ऐसे करके निकल के एक सांप. Hi guys, welcome to a brand new series, The True Tales. So guys, इस सीरीज में हम लोग कुछ गेस्ट को इनवाइट करते हैं और वो गेस्ट अपनी ट्रैवल स्टोरीज जो है हमारे साथ शेयर करते हैं और आप लोगों को सुनने को मिलते हैं अमेजिंग लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस. सो गाइज, जो आज के हमारे गेस्ट हैं, आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, द इंडियन ट्रैवल डायरीज. सो लेट्स जस्ट कॉल शताब्दी एंड अरिजीत. Hi. Welcome to the show, Shatabdi and Arijit. Thank you so much, Manshu. Thank you so much. How are you guys? Very good. Nice. So, आप एक बार अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए कि please tell us about yourself, how you started traveling and all. Okay. Yeah. So, I'm Shatabdi, like Manshu said, Shatabdi Mitra. And the Indian Travel Diaries मैंने start किया था about 2017 के मार्च में. एंड बचपन से काफी मतलब इन्फ्लुएंस रही हूँ मैं ट्रैवल शोज से एक्चुअली. एंड फ्रॉम देयर यू नो कभी वैसे ऐसा सच मौका मिला नहीं है. थोड़ी बहुत फैमिली के साथ ट्रिप हो गई है लाइक 4-5 साल में एक बार, या दैट्स हाउ फ्रीक्वेंटली वी यूज्ड टू ट्रैवल एज अ फैमिली. तो वो वैसा नहीं था, ज्यादा मैंने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था. बट 2015 डिसम्बर ऑनवर्ड्स एक्चुअली मी एंड अरिजीत वी बोथ स्टार्टेड टू यू नो ट्रैवल एंड एक्सप्लोर. एंड वहां से थोड़ा थोड़ा करके पैशन क्रिएट हुआ. एंड जो वो एक इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर था ट्रैवल शोज का, कि ट्रैवल शोज पोस्ट कैसे करते हैं एंड ऑल, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी. एक्चुअली देर इज वन स्पेसिफिक शो विच हैड इंस्पायर्ड मी एज अ चाइल्ड. यू नो बैक इन द 90s जब वो सैटेलाइट टीवी नहीं था तो डीडी मेट्रो आया करता था, है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट. या तो डीडी मेट्रो में एक शो आया करता था, इट वॉज कॉल्ड दुनिया की सैर कर लो. या एंड उसमें होस्ट हुआ करती थी परिणीति सेठ या परिणीति सेठ. सो उस टाइम पे मैं शायद 7th या 8th स्टैंडर्ड में हुआ करती थी जब वो शो एयर हुआ करता था. एंड आई रियली लव्ड दैट बिकॉज मतलब दैट वाज वन शो विच माय मदर अलाउड मी टू वॉच. कि मतलब कभी कोई रोक टोक नहीं लगी उसमें, कभी भी रोक नहीं लगी. माय फादर हैज एक्चुअली सर्वड इन इंडियन नेवी, सो व्हेनेवर ही वाज पोस्टेड वी यूज्ड टू गो बैक टू आवर होम टाउन वंस एवरी ईयर. सो वी यूज्ड टू टेक ट्रेन्स. एंड जब भी मैं बाहर देखता था, एक तो बचपन में सबका ही होता है कि खिड़की के पास बैठे खिड़की के पास बैठे, सो मैं बाहर देखता था ट्रेन अलग अलग जगहों से अलग अलग लैंडस्केप से ट्रेन गुजरती थी. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू वंडर कि अरे यार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जगह कैसी होगी, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, अरे यहाँ का ऑटो अलग दिखता है, अरे यहाँ की टैक्सी अलग दिख रही है, अरे यहाँ का बस का कलर तो ऐसे है, मेरे यहाँ पे तो रेड कलर होता है. सो दीज थिंग्स वर ऑलवेज देयर इन माय माइंड. So after 2015, what happened is that we got together, we got married, and yeah. then we started going out on our own terms. Yeah. So उससे ये हुआ कि मतलब हाँ मतलब वो जो बचपन की वो जो curiosity थी, वो जो inquisitions थे हमारे अंदर, तो वो सारी चीजें मतलब धीरे धीरे हम properly उसको channelize कर सके, इधर उधर जा सके, अपने हिसाब से चीजों को देख सके. तो जब भी ऐसा होता है हम जाते हैं बाहर तो हमेशा ऐसा लगता है हमारी खुशी इतनी ज्यादा होती है. तो हमें ऐसा लगता है कि हमने देखा सबको देखना चाहिए. तो ये जो चीज है इसकी वजह से वीडियो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब स्टार्ट हुआ. एंड क्योंकि शताब्दी इंस्पायर हुई थी वो ट्रैवल शो को देख के और ट्रैवल एक्सपी और ये सब चैनल देख के जिसमें कोई होस्ट होता है जो सबको घुमाने लेके जाता है जगह के बारे में बताता है हिस्ट्री एंड ऑल. वी थॉट ऑफ डूइंग इट, सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट. नाइस, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एक्चुअली. तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि रिसेंटली द इंडियन ट्रैवल डायरीज ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब में 10K का. सो शताब्दी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने मतलब एक फुल टाइम जॉब करते हुए और ट्रैवलिंग के साथ और इंस्टाग्राम यूट्यूब सारे हैंडल्स खुद मैनेज करते हुए कैसे शताब्दी एक्सप्रेस को आप भगाया और कैसे 10K का माइलस्टोन अचीव किया? द थिंग इज कि जब पैशन होता है तो वो चीज ना अपने आप हो जाता है. जब एक इंटरेस्ट एक रहता है ना आपको कि जब आप ड्रीम देखते हो, एक सपना देखते हो, तो उसको पूरा करने के लिए अपने आप यू नो आप मेहनत करने लगते हो. ऑल्दो मेरे वर्किंग आवर्स काफी फ्लेक्सिबल रहे हैं बिकॉज मैं टीचिंग लाइन में हूँ. आई एम अ डिजाइनर एंड डिजाइन एजुकेटर, तो कॉलेज में लेक्चरर हूँ मैं. तो वहां पे क्या थे ना कि मतलब जैसे शुरुआती दिनों में 2017 की अगर मैं बात करूँ, 2017 एंड 2018 की
मेरी मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस होती थी 9 to 3 PM के, 9 AM to 3 PM. तो घर आकर के जैसे मैं घर पहुंची थी, आई यूज्ड टू गेट इनटू यू नो वीडियो एडिटिंग, और वो चीज चलता था रात के 10-11 बजे तक. तो इस तरह से जब एंड देन उसके बाद से हुआ कि 2019 का जो मेरा साल था, एकेडमिक ईयर था, उसमें मेरे हफ्ते में 3 दिन के क्लासेस थे एंड 9 to 6 के थे. तो वो चीजें भी बाकी जो मुझे 2 दिन मिलता था अलोंग विद सैटरडे संडे, तो उसी में मैं एडजस्ट करके मैनेज करके मतलब सब कुछ कम्प्लीट किया करती निकालना पड़ता है. बट हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो मन कर रहा है वो स्टोरी बताने का, वहाँ के बारे में बताने का, आपको खुद का इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली टाइम निकल जाता है. ऐसी कोई वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, वो एक्साइटमेंट अगर रहती है कि हमने जो चीज देखा उस वक्त हम जितने एक्साइटेड थे, उस चीज को दिखाए हम दूसरे लोगों को उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ, सो वो अपने आप वो टाइम उसके लिए निकल जाता है. I can totally understand because मैं भी फुल टाइम जॉब करता हूँ और साथ में YouTube और ट्रैवलिंग वगैरह का कीड़ा पहले से ही है. सो मैं जल्दी से अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ये, अगर आप लोग भी इस सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग Instagram में मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैं इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डालता हूँ. और साथ ही साथ में इंडियन ट्रैवल डायरीज की ID यहाँ पे कहीं लिंक हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. आप इनका चैनल जाके जरूर देखिए, अमेजिंग कंटेंट ये लोग डालते हैं. और तो चलिए आज पूछते हैं अरिजीत और शताब्दी से, आप आज हमें कहाँ लेके जाने वाले हैं, कहाँ के किससे ट्रैवल स्टोरी सुनाने वाले हैं. So, हम दोनों को प्यार हो गया है अंडमान से. Yes, that is our first love. So, no, second love. First love is each other. अंडमान is second love. जैसे कोई पूछते हैं कहाँ लेके जा रहे हो, हम पहुंच जाते हैं अंडमान मानी मन. Exactly. तो ये है हमारी स्टोरी. Nice. तो हाँ, अंडमान में भी मतलब काफी सारे आइलैंड्स हैं एंड काफी आजकल तो मतलब काफी आइलैंड्स ऐसे हैं जो काफी कमर्शियलाइज्ड है, काफी टूरिस्ट वहां पे जाते हैं. लेकिन अंडमान में एक ऐसी आइलैंड है, एक ऐसा आइलैंड है लिटिल अंडमान, जो कि ग्रेट अंडमान आइलैंड से थोड़ा सा दूर है और वहां पे टूरिस्ट बहुत कम जाते हैं. तो 2018 में जब हमारा लास्ट अंडमान का ट्रिप था, हम वहां पे गए हुए थे एंड इट वॉज अमेजिंग. आई मीन सो मेमोरेबल, सो एडवेंचरस एंड इट वॉज सो दैट कि मतलब वी मेट द ओनली टूरिस्ट ऑन द आइलैंड. ऑब्वियसली लोकल्स तो थे ही एंड एकदम ही मतलब वी हैड द एंटायर लगून. मतलब जैसे कुछ कुछ जगह होते हैं देखने वाली कि हाँ यहाँ जाना है, यहाँ इस आइलैंड में यहाँ जाना है, इस वॉटरफॉल पे जाना है, इस बीच पे जाना है, और हम जा रहे थे तो हमें कोई और दिख ही नहीं रहा था. It was just us. We had the entire place. It was like a feeling that the tourist spots है, वहाँ पे तो लोकल ज्यादा जाते नहीं है, तो टूरिस्ट स्पॉट्स में हमारे अलावा एस वहाँ पे आइलैंड में कोई टूरिस्ट था नहीं, तो वी हैड एंटायर यू नो वॉटरफॉल्स, एंटायर लगून, एंटायर बीचेस टू आवरसेल्व्स. मतलब एक स्पेशल कनेक्शन सा फील हुआ. सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमेशा से एक ये था कि एक लंबी शिप जर्नी करती है, तो ऑल्दो दैट इज ऑन आवर लिस्ट, स्टिल ऑन आवर लिस्ट ये क्रूज एक्सपीरियंस ले रहा है, बट यहाँ पे क्या एक छोटा सा एक्सपीरियंस हो गया इन टर्म्स ऑफ कि हाउ इट इज. सो लिटिल अंडमान पहुंचने के लिए इट एक्चुअली टेक्स 8 hours शिप फ्रॉम पोर्टलैंड. 6 to 8 hours, इट डिपेंड्स अपॉन टाइड्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग, बट मिनिमम इज 6 hours एंड मैक्सिमम इज 8 hours. तो और उसमें भी सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि दिवाली के दिन था हमारा, ठीक है, और तब वहाँ पे वो तूफान का अलर्ट आया हुआ था, गजा गजा साइक्लोन गजा, में साइक्लोन का नाम रखा गया था गजा, गजा. तो आया था उस शो पे. तो और दिवाली के उससे एक दिन पहले ठीक दिवाली वाला टाइम था, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली टाइप. तो हमारी जो टिकट जिससे हमने बुक करवाई थी, ठीक है, एक वहाँ के लोकल एक एजेंट को पकड़ के, उसने हमारी टिकट गलती से एक दिन बात ही कर दी थी, ठीक है. अब प्रॉब्लम ये था कि अब हम क्या करें, क्योंकि हमारी तो बुकिंग डेट्स के हिसाब से जैसे हो रखे थे, तो हमारे तो और जिस दिन हमें निकलना था उस दिन हम पोर्टलैंड पे रहेंगे क्या करते, हमारा सब कुछ हो गया था वहाँ पे. तब एक तो उससे झगड़ा करना पड़ा थोड़ा सा, लाइन में खड़ा रहना पड़ा विंडो पे. मैं खुद उस टिकट को जहाँ जहाँ से करवा सकते हैं ऑफिस से वहाँ गया, जाके पूछा, और सबने एक ही रास्ता बताया कि आप ऑन द काउंटर शिप निकलने से 2 घंटे पहले जाओ, लाइन में लगो. उस दिन मुश्किल ये भी थी कि सुबह के टाइम पे हम ज्यादा एजेंट्स वगैरह किसी को पकड़ नहीं पाए थे, या डायरेक्टली जाकर के मतलब जो काउंटर ओपन है, क्योंकि दिवाली था, छुट्टी थी, काउंटर्स बंद थे, जो ऑफिशियल टिकटिंग काउंटर्स थे, दे वर ऑल क्लोज्ड. तो सबने यही बोला कि अब है भगवान भरोसे, ठीक है, आपकी एक टिकट तो है ही फाइनल, अगर आपको आज की टिकट नहीं मिलती तो आप उसमें चले जाना, बिकॉज़ यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ.
और आप जाइए लाइन में लगिए और चांस लीजिए, देखिए। तो मैं खड़ा हूँ लाइन में टॉप के गेट के बाहर सामान लेके। और एक और चीज है कि अंडमान में जो शिप्स चलती हैं इनमें प्रेफरेंस पहले दिया जाता है आइलैंडर्स। तो अगर आइलैंडर्स के जो कोटा के हिसाब से अगर रिजर्वेशन जो है अगर वो फुल नहीं है तो अगर कुछ दो चार सीट बची है तो वो जो भी टूरिस्ट वोरिस्ट है या कोई भी नॉन आइलैंडर है उसको दे दी जाएगी, नो प्रॉब्लम। बट फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज द आइलैंडर्स। अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ गेट के पास, काउंटर के पास। अब आएंगे सर, आएंगे जब वो शिप का टाइम के आधे घंटे पहले आएंगे और मैं खड़ा हूँ और वहाँ पे पटाखे बज रहे हैं और यहाँ पे मेरी फटी हुई है, वहाँ पे लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अजीब सा ही था, खुश भी नहीं हो पा रहा था और अपने आप पे हंसी भी आ रही थी कि कैसे सिचुएशन में पड़ गए। उसके बाद वो आए टिकट वाले अंकल जी और मैं चौथे नंबर पे था तो मैं पहुंचा तब तक उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है आप जा सकते हो। अच्छा हाँ, आइलैंडर के लिए अराउंड इट वाज 300 400 मतलब ना कॉलेज जाने के लिए ना कहीं यहाँ से उत्तराखंड या कहीं और गोवा जाने के लिए। इट वाज अमेजिंग नाइट शिप थी हमारी, कोडल क्वीन नाम का नाइट शिप था। शिप बहुत सुंदर थी, बहुत ही शानदार शिप थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ले रखा है मुंबई के किसी प्राइवेट ओनर से, लीज पे ले रखा है, ऑपरेट करती है। तो 8 बजे शिप स्टार्ट हुई और 8:30 से स्टार्ट हुई और मतलब मेरा तो सपना ये था कि मैं तो जाऊंगा सीधे बैग वैग पटक के डेक में और क्योंकि नाइट शिफ्ट थी तो मैं तो जाके लेट गया डेक में। प्यारी प्यारी हवा चल रही थी और ऊपर तारे दिख रहे थे और व्यू ऑफ फ्लोटिंग। और एक और अमेजिंग बात थी जब वो पोर्ट ब्लेयर का कोस्ट जब वो छोड़ के मतलब जो बंदर का था जो छोड़ के जा रहा था पटाखे फट रहे थे दिवाली की वजह से, यार इट वाज अमेजिंग, द व्यू वाज अमेजिंग। सो इट्स लाइक यू नो जस्ट इमेजिन दिस, आपको एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है मतलब लाइट्स चल रही है उसमें, लाइट चल रही है ऊपर, हल्के हल्के बादल हैं जो आइलैंड के ऊपर है और बाकी पटाखे जो दिखाते ना दूर से ऐसे एक रॉकेट के ऊपर फट गया, यू आर लाइक धीरे धीरे गोइंग अवे फ्रॉम ऑल दैट हसल। उसके बाद अब अगले दिन हम सुबह सुबह पहुंचे लिटिल अंडमान। सो दैट वाज अ गुड डे। 3:30-4 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे लिटिल अंडमान, लेकिन पोर्ट ओपन होता है 6:00 या 6:30 अराउंड। तो हम वहीं पे मतलब एंकर करके शिप खड़ी थी, मेरे साथ भी अभी ऐसा हुआ था। मैं अभी रिसेंटली वियतनाम गया था ना, तो हम लोगों ने नॉर्मल सिम ली थी जैसे रेगुलरली लेते थे और रिचार्ज कराया था। आई थिंक आई हैव सीन दैट वीडियो ऑफ योर्स। हाँ मतलब मैं ना ऐसी घूम रहा था और अचानक से मेरे फोन में नेट बंद हो गया, आई थॉट कि लाइक कुछ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की, अभी आई रिमेम्बर या। और अचानक से पता लगा कि नेट ही पूरा खत्म हो गया है, डेटा पैक खत्म और वहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम और मतलब वो एक अलग ही टाइप की रात थी, मतलब बिल्कुल स्टक वहाँ पे, किसी से ना बात कर पा रहा हूँ और बड़ी मुश्किल से घूम फिर के वो ऑफलाइन गूगल मैप में देख देख के वापस होटल पहुंचा। वो रात बड़ी अमेजिंग थी, मतलब बहुत जब उस टाइम तो काफी पेन हो रहा था बट जब पहुंच गया तो बड़ी हंसी आई। सीरियसली होता है एट द मोमेंट इतना टेंशन कि भाई क्या होगा बट बाद में जब हम रिकॉल करते हैं ना उन चीजों, एक सेंस ऑफ रिलीफ होता है, एक फनी फील होता है, एक अचीवमेंट सा भी फील होता है कि कर दिखाया हमने। तुम्हारा तो इनफैक्ट तुम्हारा तो और ज्यादा होगा क्योंकि तुम यू वर इन अ डिफरेंट कंट्री और टुगेदर वी वर एटलीस्ट इन आवर ओन कंट्री। तो यहाँ से जो है हमारा लिटिल अंडमान का जो एक एडवेंचर वाला वो स्टार्ट हुआ। तो अब क्या हुआ कि जिस दिन हम पहुंचे उस दिन तो सब कुछ ठीक था, अगले दिन एक तो तूफान का अलर्ट हो रखा है और ऊपर से हाई टाइड हो रखी है, ठीक है। तो अब हमें जाना है वहाँ पे बिग विस्पर्स वेव, बिग वाटरफॉल नाम से जो था, विस्पर्स वेव, बट वहाँ पे तो सब ठीक था। नहीं दैट वाज व्हाइट सर्फ जिसपे हम गए थे, स्मॉल वाटरफॉल व्हाइट सर्फ में गए थे। सो या उस आइलैंड में दो वाटरफॉल्स हैं अमेजिंग से, तो एक है व्हाइट सर्फ और एक है विस्पर वेव। का कहानी है कि उसमें आपको जंगल में हाइक करके जाना पड़ेगा, काफी चलना पड़ता है उसमें, जाना पड़ेगा एंड देन यू रीच द वाटरफॉल।
सो द प्रॉब्लम वाज अब बारिश हो रही है वहाँ पे, जो फोक से पूरा भर गया है कीचड़ एंड एवरीथिंग. जो गाइड था हमने उसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करी कि इट्स ओके, मतलब रेनकोट वेनकोट है, नो प्रॉब्लम. उसने हाथ खड़े करके उसने कहा मैं नहीं जा रहा, आपको जाना आप जाओ. एंड इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो अलोन क्योंकि वहां पे इंटरनेट काम नहीं, इंटरनेट तो छोड़ो वहां पे फोन का नेटवर्क नहीं आता. हां वहां पे बीएसएनएल चलता है बस. हां वो भी कभी कभार. अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर भगवान पर लगा कि हाँ आपको बात कर रही है मम डैडी से, कर लो थोड़ा सा, थोड़ा सा कर लो, वरना ऐसी कोई बात नहीं. इंटरनेट नहीं, ओनली कॉलिंग होता है वहां पे, वो भी बीएसएनएल का. एग्जैक्टली. तो वहां पे तो खैर जा नहीं पाए, फिर उदास थे सुबह से बारिश की वजह से काफी. फिर हमने कहा कि यार चलो छोड़ो, वाटरफॉल तो जा नहीं पाए, जो समुंदर है वहाँ पे काला पत्थर लगून बोल के बहुत ही खूबसूरत जगह है. हमारा वीडियो प्लीज आप एग्जैक्टली आप देखो, प्यार हो जाएगा आपको. यू विल रियलाइज हाउ गुड इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट इज. वहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स भी मैंने लिए हैं. तो डेफिनेटली वॉज दैट वीडियो. वहाँ पे क्या था, हम गए वहाँ पे एकदम खाली था, सुनसान, just two of us, nothing else, only birds. the office forest guard was forest guard there. And the fear of alligators and crocodiles. So पूरे अंडमान में ये है कि मतलब वहाँ पे salt water alligators होते हैं, मगरमच्छ. Alligators नहीं, crocodiles. Crocodiles, salt water crocodiles होते हैं. So मतलब उससे थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा, सतर्क रहना. You cannot do anything if you are in the water and you get caught, you are caught. रिपोर्ट करते हैं और अगर वैसे कोई जाता है उस सिचुएशन में तो वो बोल देते हैं कि मत जाना या कुछ. बट हम जब गए थे फॉरेस्ट ऑफिसर वॉज देयर एंड वी टॉक्ड विद हिम एंड ही वाज लाइक हाँ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है आज, मतलब इट्स बीन लॉन्ग कि कोई साइटिंग नहीं हुई है, सो इट्स सेफ. सो काला पत्थर लगून में ऐसा है कि एक ना एक माउंटेन सा बना हुआ, नॉट माउंटेन, एक वॉल सा बना हुआ है, रॉक फॉर्मेशन हो रखा है. इट्स लाइक अ वॉल, वॉल के इस तरफ जो है लुक्स लाइक एन ओपन सी, बट देन इस तरफ जो है पानी जब हाई टाइड होता है तो पानी अंदर आ जाता है. इट बिकम्स अ लगून, सो इट्स अ टेंपरेरी लगून. तो हम जब गए वहाँ पे हाई टाइड था और हम उधर गए, अपना स्नॉर्कलिंग गियर हमने लिया हुआ था. तो मैं इतना खुश था तो मैं तो अंदर जा जाके वहाँ पे पत्थर के पास जाके पकड़ के बैठा हुआ था. बट देन प्रॉब्लम एडवेंचर जो था उसमें ये था कि मेरे को तो एक्सपेक्टेशन थी नहीं मैं कि लहर आएगी. तो वहां से क्या था कि जो छोटा सा एक वहां से ओपनिंग था उस वॉल में, माउंटेन जो रॉक फॉर्मेशन हो रखी थी उसमें एक ओपनिंग था जहां से पानी अंदर आता है. पानी जो है एकदम इट गशेस थ्रू, मतलब इट कम्स इनसाइड विद अ इमेंस फोर्स. तो दो तीन बार ऐसा हुआ कि मतलब मैं एकदम उधर ही हूँ, पानी आया अंदर और मेरे को मतलब मैं अंडर वाटर ही पत्थरों पे जाके लगा, मतलब यहाँ पे छिल गया, घुटनों पे छिल गया. पानी अगर आ रहा है so it will just push you towards the shore and jo wo opening hai wo chote hone ki wajah se you cannot slip through it into the sea. So us hisab se hum log thode se matlab like you know relaxed the and another thing was that barish to ho hi rahi hai, bheegi rahi hai, to pani mein jao, maze karo thoda sa, snorkeling kar lo. To ye to rahi choti baat. Ab iske baad jo main hai, main grand one ka jo misadventure hai, hamara misadventure hua tha, misadventure hamara misadventure in little grand one naam se video bhi hai, so aap usko जंगल को क्रॉस करके जाने के बाद आता है वहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट है. फोर व्हीलर तो रास्ता है नहीं, फोर व्हीलर लोग जाते हैं बट वो गलत करते हैं, वो जाते हैं वो बीच के ऊपर से, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द स्मॉल क्रिएचर्स विच कम टू द शोर. ठीक है, इट इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. प्लीज आप भी मत करिए, बाइक भी मत चलाना प्लीज. बीच पे कभी भी बाइक मत चलाना, गाड़ियां मत चलाना. साइड से जो जंगल है उसके अंदर से पगडंडी टाइप बना हुआ है, वहां से आप बाइक लेके जा सकते हैं. वहाँ के लोकल लोग भी ऐसे जाते हैं, तो वो एक घंटे का रास्ता है. तो अब
हम वाटरफॉल तो जा नहीं पाए, अब निराश तो हम थोड़े से थे, बट हमें लाइट हाउस तो जाना ही था बिकॉज हमें वो जंगल से क्रॉस करके जाना था, उसमें बड़ा इंटरेस्ट था हमें। तो अब हम जा रहे हैं जा रहे हैं, अब क्या हुआ था कि क्योंकि वो बारिश हुई थी और वो साइक्लोन का अलर्ट था, तो हमने सोचा और कीचड़ बहुत था उस रास्ते में, कीचड़ काफी था, तो कई कई जगहों पे इतना कीचड़ था कि मतलब बाइक मतलब मेरे को लिटरली पुल करके लाना पड़ा। उसके बाद फिर हमने सोचा कि यार बाइक में ये प्रॉब्लम हो रही है, पुल करना पड़ रहा है और इतनी कीचड़ प्रॉब्लम हो रही है, लेट्स डू वन थिंग। हमने बाइक ऑलमोस्ट आधा घंटा चला लिया था, तो हमें आधा घंटा थोड़ा सा ये चलते हैं पैदल। हमने बाइक लगाई एक जगह पे, थोड़ा सा इधर उधर देखा कि हाँ इस पेड़ के सामने हाँ ऐसे लगाई है हमने बाइक, ठीक है वापस आके यहीं से उठा देंगे, कोई बात नहीं। और हाँ, दिस मेक्स मी से दिस, अंडमान प्योरली अच्छे से प्रॉपरली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना चोरी चकारी नहीं है, आप अपना जहाँ सामान छोड़ के जाओगे वहीं आपको वापस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 110% क्राइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ मतलब छोटा सा एक इंसिडेंट हमारे साथ ऐसा हुआ था, नॉर्थ अंडमान हम जा रहे थे, रोड ट्रिप कर रहे थे, हम अपना कैमरा का बैग भूल गए थे बीच में, वी केम बैक एंड फाउंड इट देयर, तो कोई था नहीं वहां पे, मतलब बीच में कोई है ही नहीं कि आपको वो बैग चोरी करके ले जाए, जैसे मैं गोवा या पॉन्डिचेरी में, इट्स लाइक वन ऑफ द रीजन वी आर सो मतलब फाउंड ऑफ अंडमान, सो क्या हुआ बाइक छोड़ दी हमने, ठीक है, अब हम बीच में कीचड़ आ रहा है उसमें जा रहे हैं, अब एक जगह क्या हुआ कीचड़ बहुत गहरा था और वहां पे बहुत पानी भरा हुआ था, तो हम खड़े होके बस सोच ही रहे कि अच्छा इसको कैसे करें, उतरे में आया ऐसे करके निकल के एक सांप, ठीक है, और मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है यहाँ से निकल जाएंगे, इसको डर लगता है सांप से बहुत ज्यादा, एनीथिंग व्हिच इज लाइक लॉन्ग एंड लुक्स लाइक अ स्नेक, अगर वो अर्थवॉर्म भी है तो इसकी पटनी तो ये इसके साथ किस्सा भी, तो यहाँ पे खड़ी होगी, मैं इसको पोस्ट कर रहा, अरे चल चल कुछ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा वो चली गई पानी के अंदर, तो पहले दिख रही थी अब दिख भी नहीं रही मैंने जैसे तैसे इसको पोस्ट करा और अब निकल गए बस। तो फिर तुम लोगों को डर नहीं लगा लाइक कि यार मौसम भी ऐसा है और इतना डेंजरस है मतलब, और तुम लोग अकेले हो, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल बिल्कुल डर लगा, थोड़ा डर लगा, बट मेरे साथ ये है कि मेरा एंथुसियाज्म अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो डर भूख ये सब अगर एंथुसियाज्म के लेवल के नीचे है तो डजंट मैटर एनीथिंग, हां इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई और ये जो एडवेंचर होने लगे थे इसलिए इससे मैं थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एड्रेनलिन रश भी आ रहा था थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं तो भाई मेरे को जाना, मैंने इसको बोल भी लगे ऐसा है तो यहाँ पे अकेले खड़े रहना है, खड़े रहे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे आ गए, अब उसके साथ उसके बाद क्या हुआ कि अब हम चले जा रहे हैं, हमें बस पता है कि हमें इस तरफ जाना है क्योंकि हम इस तरफ से आए हैं, तो पीछे तो हमें बाइक मिलेगी, लाइट हाउस आ गया, अब हम चले जा रहे हैं, घंटा हो गया, मतलब देयर वाज नो अदर सोल अराउंड, मतलब हम एक इंसान नहीं है वहां पे, इंसान नहीं था, अच्छा भी लग रहा तो सोच के कि भाई कोई नहीं है, ठीक है, और ये बड़े बड़े ट्रॉपिकल पेड़ एकदम उसके बीच से हम चले जा रहे हैं, खूबसूरत पेड़, ऐसे ऐसे बर्ड जो हमें इनलैंड में नहीं देखने को मिलते, दिखते हैं, मतलब आपको जाना पड़ेगा बर्ड ढूंढने में, बट वहाँ पे वो पहली बार देखे मैंने, मतलब आई एम स्टार्टिंग टू डेवलप दिस न्यू हॉबी ऑफ यू नो बर्ड वॉचिंग, सो बहुत ही खूबसूरत था, और फिर जाके बड़ी मुश्किल के बाद एक घंटा चलने के बाद उससे पहले क्या हुआ राइट बिफोर रीचिंग लाइक 10 मिनट्स बिफोर रीचिंग वी सॉ वो छोटे वाले बुलेरो वाले ट्रक नहीं होते वो दिखा हमें, उसमें दो बंदे जा रहे थे, उनको रोक के पूछा कि भाई और कितना है, तो उन्होंने कहा कि बस आप पहुंच गए हो 5 मिनट और, उसने जो बोला था ही वाज एब्सोल्युटली राइट बिकॉज़ वो लाइट हाउस में काम करने वाला बंदा था, तो हम पहुंच गए लाइट हाउस का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अमेजिंग है, हम ऊपर गए हमें बहुत अच्छा लगा, सीरियसली व्यू वहां से अमेजिंग था, मतलब हमने जितनी वो मुश्किलों को पार करके हम वहां पे पहुंचे थे ना, इट्स इट ऑल वर्थ, वरना मतलब अगर व्यू सही नहीं होता तो लगता कि भाई इतनी मेहनत करके आए कुछ नहीं दिखा, बट इट वाज अमेजिंग, मतलब सीरियसली अमेजिंग जो व्यू मिलता है ऊपर से लाइट हाउस के ऊपर से, तो ये जो ऊपर का एक्सपीरियंस है ये आप वीडियो में जाके देखिए, मतलब यू विल फील एज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, ठीक है, बट देन लेट्स अगेन कम टू द एडवेंचर पार्ट, अब क्या हुआ कि वी स्पेंड गुड हाफ एन आवर वन आवर अराउंड, ठीक है, अब हमें क्लियरली दिख रहा है डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस में स्काई में कि मतलब क्लाउड्स आर रशिंग इन, लाइक वो जो साइक्लोनिक क्लाउड्स साइक्लोनिक अलर्ट था वो दोस क्लाउड्स आर रशिंग इन,
अब हमें ये लग रहा है कि अगर हम अंदर से गए ठीक है तो और भी पता नहीं अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स निकलेंगे ठीक है, बारिश होगी, कीचड़ और बढ़ेगी, हम फंस जाएंगे या तो लाइट हाउस की ठीक साइड से ही बीच है वो पूरा मतलब जो पूरे आइलैंड के चारों तरफ बीच रहेगा ना मतलब शो बैंक में, तो हमने उस बंदे से पूछा कि क्या करना चाहिए क्योंकि बाइक हमने तो बीच में छोड़ी हुई है, तो उन्होंने पूछा कि यार भाई बात बताओ बाइक आपने इस रास्ते में आने की नो एक्चुअली ही टोल्ड अस दैट ही हैड स्पॉटेड द बाइक, हां वो तो उसने बोला है, वो तो उसने बोला है, पर उसने ये बोला कि आपने जहां बाइक छोड़ी है वो रास्ता स्टार्ट होने के ठीक आधे घंटे बाद आया था ना, तो अगर आप यहाँ से पैदल जाओगे तो एक घंटे बाद आप जहाँ पहुंचोगे वहां से आप जंगल की ओर घुस जाना ठीक है, आपको आपकी बाइक मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा अच्छा एक घंटा चला पड़ेगा। पॉइंट इसमें प्रॉब्लम ये है कि मतलब हमें अंदर से तो नहीं जाना था क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब इट वाज लाइक बीच में अगर हम रहते हैं तो कोई भी हमें दूर से देख सकता है, बट जंगल के अंदर से अगर हम जाएंगे तो हमें कोई देख नहीं सकता, हमारे पास मतलब क्रिएचर्स की ज्यादा फियर रहेगी, डर ज्यादा रहेगा उसका और ये प्रॉब्लम थी, तो हमने कहा कि नहीं हम अंदर से नहीं जा रहे, हम बाहर से जाएंगे एंड वी विल जस्ट फाइंड आवर बाइक, मतलब तब बाइक की टेंशन ही खत्म है, मैं कहा नहीं मेरे को नहीं जाना अंदर से क्योंकि ये था कि भाई पहले जान बचा लो बाइक तो मिल जाएगी, लोग तो यहाँ पे समझते हैं, तो हमने स्टार्ट कर दिया बीच से वॉक करना ठीक है, अब दिस वाज अगेन अमेजिंग क्योंकि हम बीच से वॉक कर रहे हैं, हमें अलग अलग तरीके, हमने जेलीफिश देखा लाइव, हमने एक डर था जो मुझे सता रहा था कि आई वॉज लाइक की यहाँ पे अगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आया और हमें खा गया nobody will know that there were two tourists, two people here who were, you know, who had come to the lighthouse and वापस जाते हुए गायब हो गए, क्रोकोडाइल ने खा लिया इन्हें। तो मैं यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार जब आप लोगों ने प्लान किया था तो ये पहले से ही प्री प्लान था कि हम लोग गाइड या फिर कोई टूरिस्ट गाइड टाइप का बंदा या लोकल बंदा हायर नहीं करेंगे या खुद ही एक्सप्लोर करेंगे? नहीं नहीं एक्चुअली अंडमान मतलब लिटिल अंडमान इज लाइक वेरी स्मॉल, मतलब काफी छोटा है, जो हम जैसे अपने वापस वहां पे जाकर के जैसे हमने अपने होम स्टे ओनर से हमने बात करी ना, तो मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको गाइड चाहिए, बट बिग वाटरफॉल के लिए चाहिए होता है, एज वेल जंगल के थ्रू है, वो वाटरफॉल था, वो बंदा भी प्रोफेशनल कोई सीखा हुआ मतलब जंगल का बंदा, ऐसा कुछ नहीं, ही वाज जस्ट अ लोकल, ही नोज द वे, ही नोज द ट्रीज व्हिच आर लाइक पॉइजनस एंड ऑल दिस थिंग्स ठीक है, उसको ये सब पता है, उसको पता है कि अगर जैसे फोन का नेटवर्क नहीं, उसको पता है कि अगर कुछ होता है तो कहाँ भागना है, किसको जाके सबसे पहले बताना है, वो वाली चीज़ें उसको पता है। ये विस्पर्स केव का एक्चुअली क्या है, वो ट्रेल नहीं बना हुआ है, बट लाइट हाउस का जो है वो ट्रेल बना हुआ है क्योंकि वहाँ पे मेंटेनेंस के लिए लोग जाते रहते हैं, वो ट्रेल बना हुआ है उसका, तो ये है, तो गाइड की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं बीच में से, अब हम चले जा रहे हैं, अब बीच में से भी हम चले जा रहे हैं अच्छा हमारा पानी हो चुका था खत्म, लाइट हाउस क्योंकि लाइट हाउस पहुंचने के लिए जो हम चले थे वहीं पे एक एक सिप करके हमने कर दिया था पानी खत्म ठीक है, और जो लाइट हाउस में था वहाँ पे पानी वो लोग पी रहे थे कुएं में से निकाल के, और जो कुआं जो हमने देखा तो वो वहाँ के लोकल लोग वो पानी पी के इम्यून हो चुके होंगे, बट हम नहीं पी सकते थे, तो अब हम प्यास से चले आ रहे हैं बस एक ही चीज अच्छी लग रही है कि अलग अलग बर्ड्स दिख रहे हैं पानी की, दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू नो केप्ट अस गोइंग, इट केप्ट अस गोइंग ठीक है, तो इट वाज लाइक वो एक मूवी रही थी जिसमें वो बंदा ही गेट्स लॉस्ट, अरे वो कौन सी मूवी थी, कास्टअवे टॉम हैंक्स की, वैसा फील हो रहा था ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही फील हो रहा था कि मतलब है और कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा है, चले जा रहे हैं और बीच में याद आ रहा था, जो बीच में क्या था, कुछ कुछ होता है ना, जस्ट इमेजिन कि कभी भी आप बीच में गए होंगे तो आपको साइड में जंगल से कहीं कहीं से ओपनिंग्स दिखते हैं कि हाँ यहाँ से जा सकते हैं, बंदा यहाँ अंदर घुस सकते हैं जगह, तो दो तीन बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हाँ हम एक घंटा तो चले चुके हैं, यहाँ से घुस के देखते हैं, यहाँ से घुसे वो भाई साहब और घना जंगल में घुस गए, फट गए, वापस आ गए, बाइक जाए भाड़ में चलते रहो
क्योंकि मुझे ये पता था, हमें ये पता था कि हम बीच से अगर चलते रहेंगे तो हम पहुंच जाएंगे मेन जेटी पॉइंट। जेटी पॉइंट या ठीक है, हम चले जा रहे कोई दिखा नहीं, बड़ी मुश्किल से मतलब एक घंटा हो जाने के और आधे घंटे बाद, डेढ़ घंटे बाद हमें अंकल जी दिखे। हाँ, निकोबार, मतलब वो वहाँ पे उनका फीचर वो काफी निकोबारी जैसा था वहाँ पे। अब उनसे मैंने पूछा, उनको अच्छे से हिंदी नहीं आती थी, मुझे ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती थी उनकी वाली, तो जैसे तैसे मैंने उनको समझाया कि अंकल ये ऐसा है कि मतलब उनका एक्सप्रेशन है क्या हो गया, तुम तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से समझाया कि ये केस है जो मैंने अब तक बताया और हमारी बाइक रह गई अंदर, ठीक है, तो आपने देखा है कि अगर आप अंदर से आए हो तो आपने देखा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो बाहर से आया हूँ, मैं तो अंदर से नहीं आया। But although he told us कि थोड़ा सा आगे जाकर के एक opening है, और अगर आपको opening ना दिखे तो एक और main point है, जहाँ से एक ब्रिज बना हुआ है, जहाँ से वो रोड स्टार्ट होता है वो जंगल वाला, आप ब्रिज तक भी पहुंच जाओगे तो वहाँ से आपको कोई ना कोई इस टाइम में मिल जाएगा, तो आप उनके उनसे लिफ्ट लेके बाइक में बैठ के आप चले जाना। वो एक्चुअली वो जंगल स्टार्ट होने के ठीक पहले तक ना नारियल का बगीचा है वहाँ, जहाँ पे यू नो नारियल और बीटल जो सुपारी होता है इनका प्लांटेशन है, सो वहाँ पे जो जंगल स्टार्ट होने के ठीक पहले तक नारियल का बगीचा है। तो मेरे को जो याद आ रहा था, तो ये अंकल ने मेरे से बात करते रहते, मैंने देखा अंकल ने एक बॉटल निकाला और उन्होंने पानी पिया, मैंने कहा यार पानी तो मुझे भी चाहिए, मैंने अंकल से पानी मांग लिया, ठीक है। अब जब मैंने पानी पिया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अंकल ने ना इससे पहले कुछ मिक्स करके पिया हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल थी अल्कोहल की, और मुझे लगा कि मतलब हल्का सा अगर हमें थोड़ा सा असर हो गया फिर तो हो गया, क्योंकि वहाँ पे लोकल थी क्या, लोकल पता नहीं, हम स्मेल आया, मैं अंकल से पूछ नहीं सकता, अंकल तो बोले अंकल के साथ एक और लड़का था उसके पास था, तो बड़ी मुश्किल के बाद जैसे तैसे हमने थोड़ा सा साहस दिखा के एक एक सिप पानी पी करके, नहीं वो तो खैर पी लिया हमने, एक साहस दिखा के हमें जो एक थोड़ा सा बड़ा सा ओपनिंग मिला वहां से घुसे हम। अच्छा, वहां से घुसने के बाद अब हमें तो पता नहीं है कि हमें बाइक के लिए लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, टुवर्ड्स द लाइट हाउस जाना है, क्योंकि हम जिस ओपनिंग से घुसे अंदर फॉरेस्ट के अंदर, अब हमें तो पता नहीं कि हमारी हमें टुवर्ड्स द लाइट हाउस जाने पे हमारी बाइक मिलेगी कि इस तरफ जाने पे बाइक मिलेगी, बाइक का एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है। अब सोचो उस जैसे जगह पे जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं हो सकता, हमने डिसाइड किया कि तुम जाओ इस तरफ, मैं जाता हूँ इस तरफ। एडवांटेज बस एक मतलब एक पॉइंट का ये था कि लेफ्ट साइड जाने वाले बंदे को अगर बाइक मिला, नहीं, जिसको मिलेगा वो जोर से चिल्लाएगा कि मिल गई, वहां पे और किसी चीज की आवाज नहीं थी, आवाज बहुत दूर से भी क्लियरली आ रही थी, तो हमने ये सोचा था कि हम जोर से चिल्लाएंगे जिसको बाइक मिलेगी। जैसे काफी क्रोकोडाइल का डर था एंड सांप दिख गया था मुझे, तो उसका डर था, बट लेटर ऑन यू नो नाउ व्हेन वी थिंक अबाउट इट, या कभी कभी जब हम अपना वीडियो भी देखते हैं, इट वाज अमेजिंग, हम अपना वीडियो देखते रहते हैं, तो यू नो रिलीज दोस मोमेंट्स, इट्स अमेजिंग। सो ये है, सो ये स्टोरी हमारी ना, आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा हमारी स्टोरी सुन के। बिल्कुल, बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया, मतलब बिल्कुल माहौल बन गया था एकदम, यू नो मतलब मैं घुस गया था स्टोरी के अंदर कि मैं देख रहा था ये ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या एडवाइस आप देना चाहोगे अगर कोई जा रहा है तो उसे क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यू नो मतलब क्या चीजें पहले से प्रिपेयर करके जाना चाहिए ऐसी इन इन सारी चीजों से बचने के लिए? वेल, प्रिपरेशंस में तो जैसे है कि अगर लाइट हाउस जाना है तो लाइट हाउस के गेट तक आप टू व्हीलर से जा सकते हो,
ठीक है, हमें लगा था कि रास्ता खराब है, हम नहीं जा पाएंगे, बट इट्स ड्राइवेबल टिल दी गेट. तो हमारी तरह गलती मत करना, टू व्हीलर को, अपने बाइक को, स्कूटी हो या बाइक हो, जो भी हो, उसको बीच रास्ते में मत छोड़ना, उसको अपने साथ गेट तक लेके जाना. एंड अनदर थिंग इज दैट इफ यू आर गोइंग और कमिंग बैक बाय द बीच, देन प्लीज आप बीच पे राइड मत करना. प्लीज आप बीच पे राइड मत करना. नॉट जस्ट इन आर्नवान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. हम पैदल चलते हैं, उससे काफी नुकसान होता होगा, आई एम श्योर, इकोसिस्टम को. बट हाँ, बाइक और गाड़ी चलाना, अनलेस इट इज अ रियली ड्राइवेबल बीच, जैसे हम कई जगहों पे देखा होगा, तो ऐसे ऐसे जगहों पे आप प्लीज ऐसे मत कीजिए. और दूसरी एडवाइस ये कि आप अगर ऐसे आइलैंड में जा रहे हैं और ऐसे जगह पे जा रहे हैं, ओडोमॉस जरूर रखिए. ओडोमॉस एंड सनस्क्रीन. सनस्क्रीन, सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओडोमॉस, सनस्क्रीन, ठीक है, थोड़ा सा खाना और पानी बचा के रखना. पीने मन, मैं तो सिक मारे जा रहा था कि अरे पहुंच गए. तो अगर आप पहुंचो और अगर आपको अपने पीने लायक पानी ना मिले तो भी दिक्कत होती है. और अपने साथ एक अम्ब्रेला जरूर रखिएगा फॉर इमरजेंसी ऑलवेज. मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा अपना पैशन फॉलो करना है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है उसे छोड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ में प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा लीव्स को लेके या फिर बजट को लेके. सो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली मैनेज, तो तभी तुम कुछ एक गोल अचीव कर पाओगे, राइट? Exactly. और छोड़ना पड़ेगा इज नॉट द राइट वर्ड आई वुड से, क्योंकि अगर आपको यहाँ का इंटरेस्ट है तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा. आज हमने जब पुरानी, मतलब व्हेन वी लुक बैक, वी टॉक्ड अबाउट आवर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, तो अच्छा सा लग रहा है. ऐसा लग रहा है वी डिड इट अगेन, वी एक्चुअली वेंचर्ड आउट एंड ट्रैवल्ड अगेन. या सीरियसली ऐसा लग रहा है. तो काफी मजा आया बात करके. सो थैंक यू हिमांशु फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टेलिंग अस अबाउट दिस. थैंक यू सो मच हिमांशु, काफी मजा आया आप लोगों से बात करके. या सेम हियर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आई होप आगे भी हम लोग ऐसे कंटेंट बनाते रहेंगे और लोगों को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते रहेंगे. पक्का पक्का. सो गाइस, अगर आप लोग, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, इनका यूट्यूब चैनल है इंडियन ट्रैवल डायरी, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी सेम ही है, और आपको यहाँ पे कहीं फ्लैश भी हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और जो उन्होंने स्टोरीज बताई है उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा. आपको अमेजिंग लाइट हाउस से जो व्यूज देखने हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके जरूर देख लो. सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ. थैंक यू अरिजीत एंड शताब्दी आने के लिए. काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके. आई होप मेरे व्यूवर्स को भी काफी अच्छा लगा होगा. सेम हियर. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. एंजॉय योर लॉकडाउन. बाय यार. सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी क्वेरीज हैं इस ट्रिप से रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं. अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई में बहुत अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. सी यू सून. प्लीज फॉलो करें हिमांशु के चैनल को, माउंटेन व्हीलर को भी, और हमारे चैनल द इंडियन ट्रैवल डायरीज को भी, एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो. डेफिनेटली प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब, वॉच, शेयर. या ऑल ऑल फोर थिंग्स.